जब भी अमीर होने के तरीकों के बारे में कहा जाता है तो अधिकतर लोगों की सोच ये होती है कि नौकरी करते हुए इंसान कभी अमीर नहीं हो सकता। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बिजनेस करना होगा और तभी आप अमीर हो सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर आप समझदारी से काम करते हैं और आप सही एक्शन लेते हैं तो नौकरी करते हुए भी आप अमीर हो सकते हैं। अभी समझदारी से कैसे काम करना है और क्या एक्शन लेने हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस ना करें। बात करें उन तरीकों की जो नौकरी करते हुए आपको अमीर बना सकते हैं, तो इसमें पहला तरीका है आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इस बारे में किसी ने बहुत खूब कहा है कि आप गरीब सोच रखते हुए अमीर नहीं हो सकते, तो पहले आपको अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। आपको खुद को ये बताना होगा कि हाँ भैया, हम नौकरी करते हुए भी अमीर हो सकते हैं, और आपको खुद को ये भी बताना होगा कि इसके लिए आपको बहुत से हार्डवर्क करने पड़ सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप खुद को ये बताइए कि अमीर होना बुरा नहीं होता बल्कि अच्छा होता है। अगर आपके दिमाग के किसी कोने में एक छोटा सा डाउट भी बचा रहता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं या फिर आप अमीर नहीं हो सकते या बिना एफर्ट के आप अमीर हो सकते हैं, तो आप अमीर नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप नौकरी करते हुए खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलिए। दूसरी बात आपको ये समझना होगी कि आपको अपने गोल बड़े रखना होंगे। जी हाँ, अगर आप नौकरी करते हुए अमीर होना चाहते हैं तो आप छोटे गोल सेट मत करिए, आप अपने लिए हमेशा बड़े गोल सेट करिए। और ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी नज़रों में अमीर होने का मतलब एक घर और एक कार का मालिक होना है तो आप सिर्फ उतना ही हासिल कर पाएंगे, और अगर आपकी नज़रों में बड़ी कंपनीज के मालिक होना या अरबों की नेटवर्क का मालिक होना अमीरी है तो आप अपनी कोशिश भी उतना हासिल करने के लिए करेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने गोल्स को बड़ा रखना होगा और खुद को ये वादा करना होगा कि आप अपने गोल्स को हासिल करने के पहले रुकेंगे नहीं। नौकरी करते हुए अमीर होने के लिए तीसरी बात जो आपको समझना होगी वो ये है कि पैसे की सेविंग करना अमीर होने की दिशा में पहला कदम है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ और आपको ये बात शायद रिपीट करते हुए लगे, लेकिन नौकरी करते हुए अमीर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेविंग करिए। अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आपका अमीर होना पॉसिबल नहीं है। आपको समझना होगा कि जब आप सेविंग करते हैं तो आपके पास पैसे होते हैं जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उस पैसे को किसी साइड बिजनेस में लगा सकते हैं और आप अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं, जो कि अमीर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी समझता हूँ कि नौकरी से पैसे बचाना मुश्किल होता है, लेकिन ये हो सकता है, और इस बारे में मैंने कुछ वीडियोज़ पहले भी बनाए हैं जो कि आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो अगर आप नौकरी करते हुए अमीर होना चाहते हैं तो आपको सेविंग करना ही होगी, और कैसे करना है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। नौकरी करते हुए रिच होने के लिए चौथा नियम है, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। जब आप पैसे बचाते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते तो आप अपने पैसे को बढ़ाने के बजाय कम करते रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसे हर दिन का सिर्फ एक रुपया भी बढ़ाते हैं तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में ये बढ़त आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देगी। और बात करें इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो उसके लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें कुछ आपको कम रिटर्न देंगे और उसमें रिस्क कम होगा, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे पर उसमें रिस्क भी ज़्यादा ही रहेगा। आपको करना यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को सोच समझ कर करिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकें वो करिए, और उसके बाद फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से जो फ़ायदा मिले उसे फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको ये काम करते रहना होगा और तब तक करते रहना होगा जब तक आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को हासिल नहीं कर लेते। साथ ही आपको हर महीने अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इस नियम को नहीं मान सकते तो आप अमीर भी नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट और सही इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन बातों के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करिए। अगर आपको लगता है कि आप नौकरी करते हुए सेविंग करके या इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 2 महीने या 1 साल में गरीब से अमीर हो जाएंगे तो आपकी सोच गलत है। आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अगले कुछ सालों तक पैसे इन्वेस्ट करते रहना होगा और धीरे धीरे अपने पैसे और अपनी नेटवर्थ को बढ़ाते रहना होगा। और अगर आप ये कहने वाले हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप ये समझ लीजिए कि वॉरेन बुफे ने सिर्फ $38 के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करी थी, वो भी तब जब वो सिर्फ 11 साल के थे, और उन्हें अपने पहले $1 मिलियन के लिए अगले 19 सालों तक इंतजार करना पड़ा था, और वो पहली बार मिलियनेयर तब बने थे जब वो 30 साल के हो गए थे, और इस $1 मिलियन को $1 बिलियन में बदलने के लिए उन्हें अगले 24 सालों तक का इंतजार करना पड़ा था, और आज उनकी नेटवर्थ $90 बिलियन के पास है। वॉरेन बुफे सिर्फ सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही अपने $38 को $90 बिलियन में बदलने में कामयाब हो पाए हैं। अगर आप भी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो आप भी अमीर जरूर हो सकते हैं। नौकरी करते हुए अमीर होने के लिए एक और क्वालिटी जो आप में खुद को डेवलप करने की ज़रूरत होगी वो है रिस्क लेना। अगर आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं तो आप अमीर भी नहीं हो पाएंगे।
दुनिया के सभी अमीर लोग हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और उस बात का फ़ायदा उठाते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए रिस्क लेना होगा और फिक्स डिपॉजिट या प्रॉपर्टी जैसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के बजाय आपको बिजनेस या शेयर मार्केट जैसे जोखिम वाली जगहों पर इन्वेस्ट करना होगा और घाटे की चिंता किए बिना फ़ायदा कमाने पर फोकस करना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है और अरबपति भी, पर यह तभी हो सकता है जब आप सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की जगह थोड़ा सा रिस्क लें और इन्वेस्टमेंट करें और लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार रहें। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। साल 2001 में आयशर मोटर्स के शेयर की कीमत करीब 19.40 रुपये थी और आज इसी शेयर की कीमत 25,000 के पास है और ये 28,000 तक भी जा चुका है। 2001 में सिम्फनी का स्टॉक सिर्फ 58 पैसे का था और जनवरी 2018 में इस शेयर की कीमत 2,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। फिलहाल इस शेयर की कीमत आधी से कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 936 रुपये के करीब है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी कंपनीज मिल जाएंगी जिनके शेयर ने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना दिया है। पर वो इन्वेस्टर करोड़पति इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने इंतजार किया और उसका नतीजा हुआ कि वो अमीर भी बने। और अगर आप भी नौकरी करते हुए अमीर होना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना होगा। और इन सभी बातों के साथ जो आखिरी बात आपको समझने की ज़रूरत है वो है नया सीखने के लिए तैयार रहना। अगर आपको ये लग रहा है कि आप सिर्फ 7 मिनट का या 9 मिनट का एक वीडियो देखकर अमीर होने के स्मार्ट तरीके समझ जाएंगे और अमीर हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो तरीके मैंने बताए हैं ये सबसे बेसिक है और ये बातें तो आपको समझना ही होंगी। इन बातों को अपनी लाइफ में आपको अपनाना होगा, लेकिन उसके साथ ही आपको नया सीखने को भी तैयार रहना होगा। हम इस वीडियो को ऐसा कह सकते हैं कि ये वीडियो आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आप ही को होगा और उस रास्ते पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखना होगा, उसके लिए किताबें पढ़ना होंगी, आपको मनी मैनेजमेंट के लिए किताबें पढ़नी होंगी, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखना होगा, उसके लिए किताबें पढ़नी होंगी, आपको रिलेशनशिप को बेहतर करने के तरीके सीखना होंगे और उसके लिए भी किताबें पढ़नी होंगी। इन शॉर्ट, आपको हमेशा सीखते रहना होगा और वो काम आप सिर्फ वीडियो देखकर नहीं कर सकते। सीखने के लिए आपको किताबें भी पढ़ना होंगी, हो सकता है आपको कुछ कोर ज्वाइन करना पड़े और कई बार आपको लोगों की चापलूसी भी करना पड़ सकती है ताकि आप वो सीख सकें जो किसी और को नहीं सिर्फ उस इंसान को पता है। इन शॉर्ट, आपको लाइफ टाइम सीखना होगा और उसके लिए जो करना पड़े वो करना होगा। और अगर हम बात करें किताबों की, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब सबसे अच्छी है। मनी मैनेजमेंट और अर्निंग के लिए बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक बहुत अच्छी किताब है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो ब्रायन ट्रेसी की किताब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले बहुत ही अच्छी है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाएं, तो उसके लिए डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बहुत ही अच्छी किताब है। इन किताबों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन शामिल हैं। तो आपको मेरे बताए हुए तरीकों को तो समझना ही होगा, आपको इन किताबों को भी पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहें तो इन किताबों को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से खरीद सकते हैं। अब कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सा तरीका है जिसको सबसे पहले अपनाएंगे और अमीर होने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। साथ ही इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा ताकि आपके दोस्त और अपने भी इसका फायदा ले सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।